थाना जो पुरानी बस्ती है इसमें एक मुकदमा लिखा गया था सन 2019 में, जिसमें उस समय चार लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और एक ये जानकारी मिली थी कि एक ऐसा एक गैंग यहाँ पे बस्ती में ऑपरेट हो रहा है जिसमें एक रेड मिर्ची और एक ANMS के नाम से एक सॉफ्टवेयर बना के और IRCTC की जो साइट है उसमें थोड़ा चेंज करके और इनके द्वारा बल्क में जो टिकट है वो तत्काल टिकट बुक किए जा रहे थे और उससे इन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में जो नीचे जो टिकट बनाने वाले जो एजेंट हैं उनको ये सॉफ्टवेयर बेचा हुआ था। करीब 1500 लोगों के द्वारा ये सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा था और इसमें ये जानकारी हुई थी कि एक सबसे जो महत्वपूर्ण इस गिरोह का जो सरगना है वो है हमीद अशरफ, जो कि थाना कप्तानगंज का बस्ती के ही रहने वाले हैं और इनके द्वारा ये सारे सॉफ्टवेयर बना के और नीचे सुपर सेलर और सेलर के माध्यम से एजेंटों तक इनके द्वारा बेचे गए थे। इसमें हमारी टीम लगातार काम कर रही थी, लेकिन पिछले साल जब इनको जैसे ही बाकी इनके जो गैंग के मेंबर पकड़े गए थे तो ये यहाँ से भाग के और दुबई चले गए थे और तब से लगातार दुबई में रह रहे थे। बीच में आप सभी को जानकारी है कि 2020 में लॉकडाउन रहा काफ़ी दिन, तो हमारी टीम इस पर काफ़ी आगे काम नहीं कर पाई और फिर उसके बाद में इसका पूरा जो गिरोह के बारे में जानकारी लिया गया, इसमें अभी कुछ दिन पहले योगेंद्र विश्वकर्मा और इनके जो पिता हैं हमीद के उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। करीब उस समय इनकी जो प्रॉपर्टी है जो कि बिना जो बेनामी संपत्ति करीब 15 करोड़ की संपत्ति की जानकारी उसमें मिली थी, तभी से जानकारी हुई थी कि ये इसका पासपोर्ट बना है और ये दुबई में है। तो हमारे द्वारा और रेलवे के द्वारा इसमें रेलवे जो हमारी RPF है इसके द्वारा गोंडा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, बस्ती में भी इनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत थे और इसके अलावा सेंट्रलाइज तरीके से कई जगह इन पर मुकदमे पंजीकृत हुए थे, उसमें हमीद का नाम आया था। तो इसमें रेलवे की जो हमारी गोंडा की टीम, बस्ती की टीम और थाना हरैया की जो हमारी टीम है वो इस पर काम कर रही थी। तो इनका सबसे पहले हमारे द्वारा यहाँ जानकारी करके और इनका पासपोर्ट निरस्त कराने के लिए आवेदन किया गया, इसके अलावा एक लुकआउट नोटिस इनका जारी हुआ था। इसी पे अभी इनकी जानकारी मिली थी कि ये बेंगलोर में 16 तारीख में उतरे हैं और वहाँ से इनको जो इमिग्रेशन में इनको पकड़ा गया था, तब जानकारी मिलने पर हमारी टीम यहाँ से RPF की टीम और हमारे थाना हरैया की टीम गई और 17 तारीख को इनको गिरफ्तार किया गया और वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर इनको यहाँ बस्ती में लाया गया है।